हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पर। इसका नाम है डे काउंटिंग और बात करते हैं हम आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें है ना अकाउंटिंग मतलब टैली बेस अकाउंटिंग ही रहेगा। ये मैनुअली अकाउंटिंग के बाद में देखेंगे तो जरूरत पड़ती है मैं बताऊँगा। और फिलहाल ये टैली बेस अकाउंटिंग रहेगा। ये आपको टैली में कंपनी क्रिएट करने से लेके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक जितने भी बीच में टैक्सेशन आता है, भरना आता है, एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, जो भी फाइनलाइजेशन करने में जो भी चीज़ों की सपोर्ट लगती है, वो सब हम इसमें देखेंगे इस सीरीज़ में। आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट है तो फाइनलाइजेशन तक तो अभी टाइम लगेगा। बट अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करनी है उसके बारे में देखेंगे हम। धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट डे है आज और मैं डेली अपडेट देने की कोशिश करता रहूँगा। तो आइए देखते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है टैली में। आते हैं डेस्कटॉप पे। तो आ गए हम अपने वीडियो स्क्रीन पे और स्क्रीन पे देखते हैं फर्स्ट जो है कि हमें यहाँ पे तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं तो हमें कंपनी क्रिएट करनी है। फर्स्ट तो हमें अब जैसे टैली ओपन करेंगे ना, पहले क्लोज कर देता हूँ मैं। जैसे टैली ओपन करते हैं ओपन करते ही हमें फर्स्ट तो कंपनी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ऑप्शन आ रहा है, कंपनी इन्फो में जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको है ना कंपनी इन्फो F3 प्रेस कर सकते हैं आप, ऑल्ट F3। थर्ड ऑप्शन क्रिएट कंपनी में जाना है, एंटर। यहाँ पे आपको टाइटल अपना लोकेशन आपका जो डेटा का जो पाथ है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं सेव करना है, इसका डेटा कहीं और सेव करना है जहाँ पे आपका टैली आप चाहते हैं, तो आप सिंपली सी इसमें जाएंगे डेटा में, यूट्यूब का फोल्डर है, टैली डेटा है एंड यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करना है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले। अगर आपको डेटा पाथ चेंज करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटा पाथ है उसको आपको सीधा से डेटा में करना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसके पहले वाला वीडियो है वो। तो हम आते हैं इस पर, टैली पे आते हैं, उसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके इसको स्कैप करके हटा देना, कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देना। ये आ गया यहाँ पे हमारा पाथ। इसके बाद सेकेंड हमको आना है कंपनी के नाम पर। तो कंपनी का नाम हम, जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं अपने नाम से दीपक एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी में क्रिएट कर। मेलिंग एड्रेस जो भी मेरा एड्रेस है, और मैं अभी खाटकोपर वेस्ट मुंबई 40086, पिन कोड है इंडिया, स्टेट हमारा महाराष्ट्र है। आपका जो स्टेट है, अब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वो स्टेट डालना है, महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। पिन कोड 40086 डालना है। फ़ोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है दीपक प्राइजेस 050@gmail.com। ओके, वेबसाइट अगर आपका कोई है तो आप डाल सकते हैं। तो ये सब क्या है कि आपके इनवॉइस पे प्रिंट होके आएगा और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम भी, ये कहाँ से आपका आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से मैं कर रहा हूँ, 21 से कर रहा हूँ, सॉरी 1 अप्रैल 2021 से कर रहा हूँ, तो मैं उसको वही बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी वही रहेगा। पासवर्ड अगर आप कुछ रखते हैं टैली का, जैसे आपको कुछ पासवर्ड रखना है, जैसे मेरे को रखना होगा तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल सकता हूँ, बट फिलहाल मुझे कोई पासवर्ड नहीं रखना है। बट अगर आपको पासवर्ड रखना है तो आप इस पासवर्ड को रिपीट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब पासवर्ड सेव करने के बाद आपको पासवर्ड हमेशा याद रखना कि उसका बैकअप लेने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो पासवर्ड को भी आप अगर भूल जाते हैं तो उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसी चैनल के लिंक आपको मिल जाएगा। वो वीडियो से आपको हेल्प होगा कि कभी आपने पासवर्ड रखा है और आप भूल जा रहे हैं तो उससे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। आ जाते हैं सेकंड पे।
सेकेंड हमें एंटर दबाना है, रुपी यही रहेगा INR, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये सबको एंटर एंटर करके सेव कर देना। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई दीपक एंटरप्राइज के नाम से। अभी इसमें बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, PNL में कुछ नहीं दिखेगा, स्टॉक्स में कुछ नहीं दिखेंगे, वाउचर्स कुछ कोई लेज़र नहीं दिखेगा आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे लेज़र थे वो सब खाली है, खाली कैश प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेज़र आपको मिलेगा। तो अभी तो मैंने से आपको बताया कंपनी कैसे क्रिएट की है। अभी कंपनी क्रिएट करने के बाद इसमें हमें एक एक एंट्री के बारे में हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेल्स की एंट्री कैसे पास करनी है, परचेज की एंट्री कैसे पास करनी है, फिर उसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा कुछ एडजस्टमेंट की एंट्रीज बताऊंगा, जिससे आपको डे टू डे पता चले कि आप जो प्राइस में सेल कर रहे हैं क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए उतना, मतलब आप कितना प्रॉफिट उसमें दिखाना चाहते हैं बुक्स में, वो प्रॉफिट आपका एक्चुअली में वहाँ पे मतलब जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको प्राइस डिफरेंस कैसे पता करनी है डे टू डे वर्क पे। ठीक है, अभी के लिए तो खाली इसमें इतना ही है, कंपनी क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए